कैसे हो मेरे प्यारे भाई? ईसासियस, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। बड़ा अफसोस हुआ, तुम भाई होकर तुमने शेर खान का साथ नहीं दिया। तब मेरी और शेर भाई की लड़ाई हुई थी। उसने कहा था कि दोबारा मेरे घर पर कदम मत रखना, इसलिए मैं दूर चला गया। मैं इंस्पेक्टर लाठी से शेर भाई के एक एक खून के कतरे का बदला लूंगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास एक प्लान है लाठी को ऊपर वाले के पास पहुँचाने के लिए। क्या प्लान है तुम्हारे पास? अब देखो प्लान क्या है। प्लान ये है, मैं तुम्हें बिल्कुल एमके लाठी जैसा बनाऊंगा। मेरी नजर में एक डॉक्टर है, वो एक सर्जन है, वो तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करके बिल्कुल एमके लाठी जैसा बनाएगा। फिर तुम वो काम करोगे जिससे लोग नफरत करने लगेंगे एमके लाठी से, और वजह बनोगे तुम वो इतने गंदे काम करना जिससे लोग एमके लाठी को मारने के लिए आ जाए। ऐसे काम करना फिर तुम। हेलो डॉक्टर ली, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है बिल्कुल एमके लाठी जैसी। हाँ, मुझे तुम्हारे भाई ने कॉल करके बोला है कि तुझे एमके लाठी जैसे बनाना है। अब वो मेरा काम है कि तुझे कैसे बनाऊंगा एमके लाठी। अब देख मेरा प्लान, तू तो गया बेटे। गुड मॉर्निंग, खाना तैयार हो गया है, आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। बड़ी सुंदर लग रही है स्प्रिंग ड्रेस में यार। खाना तैयार हो गया, चलो अब खाना खाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो इंस्पेक्टर साहब, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। अरे शादी के दूसरे दिन ही? तो क्या घुमाने नहीं ले जाओगे? हस्बैंड जी मेरी थी तो सुन लो। अच्छा ठीक है, चलो रेडी हो जाओ, जाते हैं। यार मैं आज बहुत खुश हूँ, हम काफी टाइम बाद घूमने निकले हैं, है ना? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप बताओ हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? अरे अभी पार्क तो अच्छे से घुमा लो, फिर करना बाकी बात। अरे भाई तुम तो बिल्कुल लाठी जैसे लग रहे हो। एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने लाठी खड़ा है। हाँ ये तो होना ही था, लेकिन अब आगे बताओ, आगे क्या करूँ, कैसे करूँ उस लाठी की जिंदगी तबाह। लाठी अब तुम मेरे अटैक के लिए रेडी हो जा। मेरा पहला अटैक होगा सोशल अटैक। भाई आप तो बिल्कुल लाठी की तरह दिख रहे हो। हाँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है लाठी जैसा दिखने के लिए। अब तुम्हारे लिए एक काम है। काम क्या है? काम ये है, मैं कुछ ड्रग स्मगलर्स के साथ बिजनेस करूँगा लाठी बन के, और तुम वीडियो उठाओगी मेरी और इंटरनेट पे वायरल कर दोगे। जब लोग ये वीडियो देखेंगे कि उनका होनहार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर लाठी एक ड्रग स्मगलिंग के साथ बिजनेस कर रहा है, तो उनको गुस्सा आएगा लाठी पर और वो रोड्स पर उतर जाएंगे नारे लगाने के लिए। तो ये एक मेरा टास्क रहेगा, एक मेरा ये मिशन है लाठी को नीचे गिराने के लिए उसकी कुर्सी से। हाँ भाई काम हो जाएगा, बताइए कब करना है ये? अभी करना है ये काम, हम वहीं जा रहे हैं, तुम वीडियो उठाना अच्छे से। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? अरे कुछ नहीं, मुझे एसएसपी ऑफ टून टाउन ने बुलाया है, मतलब एसएसपी साहब ने बुलाया है मुझे। लाठी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने आज की न्यूज देखी? मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। क्या सर, कौन सी न्यूज? मैंने तो नहीं देखी आज कोई न्यूज। लाठी मैंने तुम्हारे फोन पर वीडियो भेजी है, वो देख लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुमने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। सर सर ये मैं नहीं हूँ ये, मैं इन लोगों को, इन स्मगलर्स को जानता तक नहीं, ये पता नहीं कौन है। लाठी हेयर स्टाइल भी तुम्हारे जैसा है, दाढ़ी भी तुम्हारे जैसी है, मूछें भी तुम्हारी जैसी है, पूरे तुम ही हो, तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं ये नहीं हूँ? क्या तुम्हारा कोई बहरूपिया है, बताओ? सर कसम से मेरा यकीन करो, मैं ये नहीं हूँ। लाठी उसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम बेगुनाह हो? चलो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ,
तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो, जो ना कर पाए तो मेरे ऑफिस से अपना सस्पेंशन लेटर लेके वापस अपने घर लौट जाना, समझ आया? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं टून टाउन टीवी न्यूज 24 से। आज की ताज़ा खबर है कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मिस्टर एमके लाठी को ड्रग डीलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब फैसला ये है कि अब कोर्ट फैसला करेगी कि उनके साथ क्या होगा, क्या उनको सस्पेंड करेंगे या उनको जेल होगी या उनको बख्श दिया जाएगा। जुड़िए आपके साथ एक और बार ये कौन है? शेर खान का छोटा भाई पॉल? कहीं ये सब कुछ इसी का तो किया था रहा नहीं? मिलना पड़ेगा इससे।